पुल का जो गांव है उसकी थोड़ी सी हमने ट्रैकिंग करी थी। आप जो आइसोलेशन ढूंढ रहे हो आपको यहाँ मिलेगी। भाई क्या हाल है, वेलकम टू डे 4 और आवर ट्रिप। और अभी हम लोग निकल रहे हैं बस यहाँ से, रात की अपनी बस है। नाश्ता वाश्ता किया था इस अच्छी सी प्रॉपर्टी पे, पाइन वुड्स ये जगह है। और खाना कैसा था भाई? भाई बहुत ही भीड़ लेट, सुबह सुबह ऐसा स्वाद खाना मिल जाए ना, मज़ा आ जाए, ठीक पूरा दिन खुश अच्छा जाता है। तो कसौल में आपको ब्रेकफास्ट करना हो तो यहाँ आप आ जाना, पाइन वुड नाम की जगह है ये, मॉल रोड पर ही है मेन। और आज अपनी बस भी है, तो आज हमारी ट्रिप का एंड है। रात को अपनी बस है 9 बजे मनाली से। तो भाई यहाँ हम जाते हुए पुल का, चलो तो भाई अभी हम ट्रैवल करके बाइक से आ जा गए हैं पुल का गाँव। यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं हम, गाँव दिखाता हूँ आपको, रुको। भाई अभी हम आ चुके हैं पुलगा गांव। ये 3 गांव है एक साथ, कलगा पुलगा तुलगा। तो अभी हम पुलगा में हैं और ये यहाँ का व्यू है। ये छोटा सा मिनी सा गांव, बढ़िया सा, सारे अपने घर के अंदर। ये मॉनेस्ट्री है यहाँ की। तो अभी ना जी एक जगह ले जा रहे हैं हमें, कहाँ है भाई वो जगह? चलो चलो सीधा चलो। नाइस होम भाई, ये फॉरेस्ट है यहाँ से आगे। तो गाइस यहाँ मैं अकेला ट्रैक करते हुए बस्ता टांकर हैवी वाला भाई, यहाँ तक ले जाता है अगर इनका मन करेगा वहाँ जाने का तो ले चलेंगे, दिखा देते क्योंकि रास्ता टफ है, रास्ता टफ है भाई। पुलगा गांव से हल्का सा ट्रैक करके एक वाटरफॉल है जहाँ पर आप आ सकते हो, वो सामने वाटरफॉल है। और ये है नज़ारे जो कि बहुत ही अच्छे हैं, एकदम शांत, कोई नहीं, कोई भी नहीं आसपास। थोड़ी सी हमने ट्रैकिंग करी थी, आपको अभी दिखाया भी था। और ये रास्ता बड़ा खूबसूरत सा है, कोई आप जो आइसोलेशन ढूंढ रहे हो आपको यहाँ मिलेगी। और यही है बाकी, अब हम लोग चलते हैं अपने कसौल की तरफ और वहाँ से हमें फिर मनाली जाना है, फिर हमें बस लेनी है, तो वो रास्ता दिखाते हैं आपको, चलो। ये आटे के हैं? अच्छा मैदे के हैं, ये हैंडमेड चाउमीन। तो भाई पुलगा टाउन से वापस आके हम लोग अपने हॉस्टल से सामान लेने के लिए रुके हैं। और हॉस्टलर का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था, स्टाफ बहुत अच्छा है, रेट बहुत अच्छे हैं, खाना भी सच में बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो कोई भी अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ हॉस्टलर अवेलेबल है तो आप ज़रूर ट्राई ज़रूर करिए, मुझे इनकी सर्विस और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी लगी। तो बस यही मेरा सजेशन था। अब निकलते हैं कसौल से मनाली के लिए, चलो। भाई यहाँ कुछ खाने के लिए मिला था रास्ते में, अभी मनाली 50 किलोमीटर है, मोमोज हम लोग खा रहे हैं, ठीक है? नहीं है वो, तो खैर दिल्ली ऐसे मोमोज तो कहीं मिलते हैं। देखो मोमोज, चाउमीन, बर्गर इस नज़ारे के साथ। भाई यहाँ हमने अपनी कैब कर ली है बस स्टैंड के लिए और ये मनाली का सफर यहीं ख़त्म होता है। काफ़ी खूबसूरत शहर, चलो सी यू, टाटा बाय बाय। वापसी की अपनी जिंग बस थी और मैंने पहली बार देखा है कि किसी बस कंपनी का लॉन्च अपना, मतलब ऑब्वियसली चीजें फ्री नहीं है लेकिन अच्छा बना रखा है वेटिंग एरिया, तो यहाँ पर सब कुछ मिलता है आपको। यहाँ पर आप खाना पीना ले लो, ड्रिंक्स ले लो, वॉशरूम की फैसिलिटी भी है, 10 सीट्स हैं ऊपर और बनाया भी बहुत अच्छा है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बस अपनी आने ही वाली है कुछ देर में। ये है वॉल्वो बस, जिंग बस की, जिसमें हम लोग जा रहे हैं
मनाली से दिल्ली तक की टिकट हमें बढ़िया 800 रुपए की, जिसमें आपका ब्लैंकेट पानी सब कुछ इंक्लूडेड है। तो यही है भाई।